नमस्कार आप सभी को, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और बेहतरीन टेस्ट आपकी स्क्रीन पर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखेंगे। दोस्तों पूरा अगर देखते हैं आप तो ही आपको वो जानकारी मिल पाती है, और हर बार कोई ना कोई नए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आते हैं, तो क्यों ना इन प्रश्नों का लाभ उठाएं आप, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। देखो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, और वैसे ये टॉपिक की बात करें तो राजस्थान में मध्यकाल और आधुनिक काल में जो नारियों की भूमिका रही और जो नारियों की भूमिका रही है ना, किस संबंध में रही है इसके बारे में, और हर एक एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाता है क्रांतिकारी नारियों के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल है कि रानी पद्मिनी किस शासक की रानी थी। हालांकि मेरे प्रश्न जो है ना बहुत ईजी वे से, पर आपको जो व्यापारिक नॉलेज है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, मतलब आपको देखो कंटेंट पर ध्यान देना है, बाकी प्रश्न की प्रकृति की ओर जाना ही नहीं आपको, ठीक है। अब आपको ऐसा भी कर लिया जाए कि पहले जो चित्तौड़ का शाखा था, पहला शाखा, उसमें किस रानी ने जोर करा था, तो भी वो बात अपन इसमें करेंगे ना, तो ऐसे में आप इस नाम को याद रखेंगे, प्रश्न की प्रकृति की ओर नहीं जाना है आपको, ठीक है। राहुल रतन सिंह को लॉक करेंगे, इनकी पत्नी थी, ठीक है। सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पत्नी के बारे में बताया जाता है, सॉरी की पुत्री के बारे में बताया जाता, पत्नी तो इनकी है ही है राहुल रतन सिंह की, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण करा था 1403 में, तो उस समय जौहर किसने करा था, रानी पद्मिनी ने करा था। और ये सारी जानकारी हम कहाँ पढ़ते हैं, पद्मावत में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हंसाबाई कौन थी। दोस्तों देखो हंसाबाई के बारे में कोई नहीं जानते, वैसे बहुत कम जानते हैं कि महाराणा सांगा की वो पुत्री थी, नहीं नहीं। यहाँ पे देखो ब और स दोनों सही है। कैसे सही है, देखो दो चीज़ें हैं, राव चूड़ा की पुत्री थी, राठौड़ रणमल की बहन थी, क्योंकि रणमल और हंसाबाई दोनों बहन भाई थे, और दोनों किसके पुत्र और पुत्री थे, राव चूड़ा के पुत्र पुत्री थे, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल है ये, और इनका विवाह जो है महाराणा लाखा से इस शर्त पर हुआ था कि जो भी उनसे पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का राजा बनेगा, इसीलिए भीष्म पितामह चूड़ा है ना, भीष्म पितामह जिन्हें संज्ञा दी गई है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है, तो चूड़ा है ना, तो चूड़ा जो है उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। रानी कर्मावती का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था, और कर्मावती के समय दोस्तों चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, कौन सा शाखा हुआ था, दूसरा शाखा हुआ था, तो ये बात याद रखेंगे, महाराणा सांगा के साथ में, क्लियर है। बड़ा अच्छा सवाल भी है, शानदार सवाल है, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की देखते हैं। अगला सवाल है कि गोराधाय जोधपुर ने मारवाड़ के किसकी जान बचाई थी, गोराधाय है ना, जिस प्रकार से पन्नाधाय थी उसी प्रकार से गोराधाय जो कि जोधपुर से इनका संबंध है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अजीत सिंह को इन्होंने बचाया था 1679 के आसपास में, ठीक है। गोरा ने अजीत सिंह के मतलब वयस्क समय में जो है अपने पुत्र को मातृभूमि पर बलिदान देकर जो अजीत सिंह को अपना पुत्र घोषित कर दिया था, तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि पन्नाधाय किसकी धर्म पत्नी थी। दोस्तों देखिए पन्नाधाय के पति का नाम आपको बताना है, तो आप कहेंगे सर सूरजमल चौहान की ये पत्नी थी पन्नाधाय, और पन्नाधाय का संबंध मेवाड़ से है। हालांकि अगर बात करें दोस्तों इनके पुत्र चंदन का इन्होंने बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी, दासी पुत्र बनवीर से इन्होंने बचाया था इन्हें, किन्हें, उदय सिंह को, ठीक है। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है देखिए कि भाई रानी जयवंताबाई कौन थी। रानी जयवंताबाई की बात करें तो दोस्तों ये भी और स दोनों होगा, महाराणा उदय सिंह सेकेंड की पत्नी थी और महाराणा प्रताप की माता थी, तो सर ये उदय सिंह सेकंड गिना जाते हैं क्या। हाँ जी बिल्कुल, उदा नाम आपने सुना है ना, तो वो उदा उदय सिंह प्रथम थे दोस्तों, याद रखना, कई बार ऐसा प्रश्न बना हुआ है, उदा जो थे वो उदय सिंह फर्स्ट थे और उदय सिंह सेकंड किन्हें माना जाता है, महाराणा प्रताप के पिताजी को, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री जो थी वो कौन थी, तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, धीर सिंह को लॉक करेंगे, सॉरी धीरबाई को लॉक करेंगे, क्लियर है, ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, अजब दे पवार,
पता ही दोस्तों, अजब दे पंवार कहाँ की निवासी थी, तो याद रखना हाड़ौती की थी, ठीक है। महाराणा प्रताप की धर्म पत्नी भी थी और इन्होंने अपने पति का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी ऐश्वर्यों को त्याग कर महाराणा प्रताप के साथ रही थी ये, मतलब जंगलों के कष्टों को इन्होंने भी सहा था। वीर हाड़ी रानी सहल कंवर का विवाह किसके साथ हुआ था, और फिर ये हाड़ी रानी के नाम से जानी गई, ठीक है, और इन्होंने अपना सर काट कर दे दिया था। वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात हुई, संग्राम सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था रूपवती, सॉरी सहल कंवर था, हालांकि उन्हें रूपवती कहा जाता है वैसे ही। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे यहाँ पे। देखो, संग्राम सिंह की पुत्री थी और रतन सिंह की पत्नी थी, विवाह रतन सिंह के साथ में हुआ था। मैं पता नहीं क्या बोल जाता हूँ कई बार। अगला सवाल है, छुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी, ये जो सेनानी कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई या किस पर लिखी गई? तो ये वीर हाड़ी रानी सहल कंवर पर ही लिखी गई है दोस्तों, और किसके द्वारा लिखी गई है ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो आप करेंगे मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मेघराज मुकुल के द्वारा। तो दोस्तों ये सवाल भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चारुमती कहाँ की निवासी थी बताइए? तो चारुमती दोस्तों कहाँ की निवासी थी? आप कहेंगे सर कृष्णगढ़ की निवासी थी चारुमती, कृष्णगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी, जिसे मेवाड़ के लिए महाराणा राज सिंह ने इनकी इच्छानुसार इनके धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध जो है 1660 में विवाह कर दिया था। मतलब कि बात ऐसी है कि विवाह औरंगजेब करने वाला था, लेकिन किसने करा? उन्होंने राज सिंह मेवाड़ के थे, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, कृष्ण कुमारी कौन थी? दोस्तों इनको लेकर विवाद हो गया था जोधपुर और जयपुर को। जोधपुर के शासक थे उस समय मान सिंह और जयपुर के शासक थे उस समय जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह देवते। ये मैं जयपुर लिख रहा हूँ यहाँ पे, जोधपुर यहाँ पे लिख दीजिए मान सिंह, ठीक है। दोनों के मध्य भीषण तकरार युद्ध हुआ था जिसे गिंगोली का युद्ध कहा गया, 1807 में हुआ था, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था दोस्तों, और ऑप्शन डी को लॉक करें, सी को लॉक करेंगे। महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और बाद में इनको जहर देकर इस विवाद को ख़त्म किया गया था। राम रस्ते किसकी पुत्री थी, इसका आंसर आपको बताना है। राम रस्ते जो है ना दोस्तों, ये किसकी पुत्री थी? तो राम रस्ते पृथ्वीराज सिंह की पुत्री थी अजमेर जिले के। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एक और सवाल है दोस्तों, राम रस्ते किसकी महारानी थी? तो दोस्तों याद रखना महाराणा राज सिंह की रानी थी। 1675 में इन्होंने देबारी के पास में जया नाम की एक बावड़ी बनवाई थी, जिसे अब अपन त्रिमुखी बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। जया बावड़ी वैसे कहाँ पे है पता है ना? देबारी के पास में। अगला सवाल है, शुभ कुंवरी का विवाह किसके साथ में बता लो भैया? ये खुद शुभ थे तो फिर विवाह भी शुभ हुआ होगा। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। कहने राव मारवाड़ के मेड़तिया राठौड़ वीरम देव की पुत्री थी। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, मारावल बरिशाल के साथ हैं। अगला सवाल है, गुमान कुंवरी किसकी राठौड़ी रानी थी? दोस्तों ये सवाल हो सकता नहीं पूछे, लेकिन फिर भी पूछा यूँ जाएगा कि भाई इनके द्वारा एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। डूंगरपुर के, ठीक है, मारावल जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह की रानी थी राठौड़ी रानी, जिनका नाम था गुमान कुंवरी। इन्होंने एक केला नामक बावड़ी का निर्माण करवाया था डूंगरपुर में, ठीक है। बांसवाड़ा के महारावल, दोस्तों ध्यान दीजिए, बांसवाड़ा के महारावल जगमाल की राठौर रानी कौन थी? ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने बांसवाड़ा में विठल देव के निकट नीलकंठ महादेव के पंचायतन मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था और एक तालाब भी बनवाया था तेजपुर गाँव के नाम से, ठीक है। तो लाच कुंवरी को लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, ये भी बेहतरीन एक प्रकार का सवाल था। अनूप कुंवरी दोस्तों कौन थी ये आपको बताना, अनूप कुंवरी जो थी ना वो कौन थी? तो अनूप कुंवरी महारावल प्रतीत सिंह की रानी थी अनूप कुंवरी। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1799 में बांसवाड़ा में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक कर दिया। अगला सवाल है कि
देखो इन्होंने क्या करा था, बांसवाड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। सिरोही के महाराव सुल्तान की रानी कौन थी? सिरोही के महाराव सुल्तान की रानी जो थी वो चंपा कंवर थी, और इन्होंने चंपावती नामक बावड़ी का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? चंपावती नामक बावड़ी का निर्माण 1582 में करवाया था, तो इसके लिए ये पॉपुलर है, बाकी इनका कोई योगदान नहीं था। सिरोही के महाराव अखिराज द्वितीय की रानी जो थी वो कौन थी, इनमें से कौन थी? तो वो रतन कंवर थी, और इन्होंने क्या बनवाया था? रतन बाव या फिर रतन बावड़ी। कब बनवाई थी रतन बावड़ी? इन्होंने बनवाई थी 1675 में। अब यहीं अगर हम पूछें कि रतन कंवर जिसने रतन बाव या रतन बावड़ी का निर्माण करवाया, कब करवाया? 1675 में, ये किन की रानी थी, ऐसा प्रश्न कर ली जाए तो महाराव अखिराज द्वितीय की थी। ऐसे सभी को उल्टा सीधा लेके आपको याद रखना है। किसने जोधपुर में महिला बाग का झालरा का निर्माण करवाया था या फिर बनवाया था? महिला बाग का झालरा गुलाब राय ने दोस्तों बनवाया था। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह पासवान थी ये, और जोधपुर की नूरजहाँ के नाम से पॉपुलर भी थी। 1776 की बात है, महिला बाग का झालरा बनवाया था। अगला सवाल है कि चंपा कुंवरी कौन थी? देखिए दोस्तों, चंपा कुंवरी जो थी ना ये कौन थी, तो याद रखना चंपा कुंवरी ये और सर दोनों हो जाएगा। कैसे? कि महारावत जसवंत सिंह की तो रानी थी और महारावत हरि सिंह की माता थी, तो ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या कराया था? बावड़ी और वाटिका बनवाई थी, ठीक है, देवलिया गांव में 1648 में, और गोवर्धन नाथ जी का मंदिर भी बनवाया था इन्होंने वहाँ पे। अगला सवाल है, आड़ी रानी जसवंत दे किस शासक की पुत्री थी? दोस्तों बताइए, आड़ी रानी जसवंत दे जो थी ये किस शासक की पुत्री थी? तो याद रखना ये शत्रुशाल की पुत्री थी। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि इन में से मूसी महारानी का पुत्र कौन था? इनमें से मूसी महारानी का पुत्र विनय सिंह था, और कई बार ये तो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये अलवर शासक राव बख्तावर सिंह की पासवान थी, ठीक है, अच्छा सवाल था ना? बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कोटा शासक महाराव दुर्जनशाल सिंह हाड़ा की रानी कौन थी? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए, बड़ा शानदार सवाल ये भी। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ब्रज कंवर, ठीक है, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री थी, और इस रानी ने ब्रज विलास का निर्माण करवाया था, याद रखना दोस्तों, इसीलिए आपके सामने ये प्रश्न भी बना है, अन्यथा नहीं बनता। अगला सवाल है, रानी सोमलेखा कौन थी? रानी सोमलेखा कौन थी जो अजय राज की दोस्तों रानी थी, जिन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी करवाए थे? अजय राज की रानी थी, प्राचीन काल से इन रानी के बारे में वैसे हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल तो यूं कह सकते हैं कि 1100 जो है, हम यूं कह सकते हैं कि एक सेकंड कि 11वीं या 12वीं सदी, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1113 में इन्होंने सिक्के भी चलाए थे, पृथ्वीराज विजय के अनुसार जो है अजय राज ने 1113 में अजमेर बसा कर अपने राज्य की राजधानी भी बनाया था, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किन्हें जाना जाता? दोस्तों ये नारियों के बारे में तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, इनकी पुत्री का नाम था रमाबाई, आपको याद हो तो, है ना? बिल्कुल था सर। तो महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई था, और इन्हें वागेश्वरी वागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। तो कुंभा के बहुत सारे अन्य नाम भी है, राणा रासो है, दान गुरु, आल गुरु, छाप गुरु, है ना, परम गुरु है, राजगुरु है, बहुत सारी उपाधियाँ हैं। कुंदन कुंवरी कौन थी दोस्तों? कुंदन कुंवरी की बात हो रही है, तो कुंदन कुंवरी थी और ब और स दोनों, मावर सामन सिंह की माता, मारावत सालिम सिंह की रानी, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। इन्होंने भी देवलिया में मंदिर और बावड़ियाँ बनवाई थी। अगला सवाल है कि आमेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बालाबाई ने करवाया। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज कछवा की ये रानी थी, लूणकरण की पुत्री थी, और बालाबाई जिन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। बड़ा अच्छा सवाल था। और लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि रसकपुर नामक महिला किससे संबंधित थी, जो कि ये पासवान थी, किसकी दोस्तों?
महाराजा जगत सिंह द्वितीय के पास बांधी है। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा, जयपुर से। ठीक है, क्लियर है? यस क्लियर है, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात यह है कि आप राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जुड़ सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी का। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, है ना।